कुर्मी समाज के लोग बोल रहे हैं कि एसटी में आदिवासी भी शामिल करिए। नहीं, उसका तो मान नहीं मानते हैं, आपको करना सही, चूंकि अंग्रेज जो आए थे ना, उसको गन्ना को खेती करने के लिए अंग्रेज लाए थे उनको, कुर्मी समाज को, इसलिए उसको हम लोग नहीं मानते हैं, नहीं। उनकी आबादी बहुत ज्यादा है, वो लोग भी आंदोलन कर रहे हैं आप लोगों की तरह करते, आप लोग सफल हो गए, वो लोग भी आज निकल सफल होंगे, ऐसा उनका कहना है। देखिए, वो तो आगे का निर्णय होगा। क्यों विरोध करते हैं? अगर कुर्मी समाज के लोग आपके साथ आ जाते हैं, क्या दिक्कत? उसमें मेरा समाज को लूटने का काम कर रहे हैं वो लोग, और इससे कुछ नहीं कर रहा। किस तरह से रोकने की कोशिश हो रही है? आवाज नहीं आ रहा। किस तरह से रोकने की कोशिश हो रही है? देखिए, हमारा समाज आदिवासी समाज जितना भी हमारा, उसको रोकने का काम करेंगे, देखिए आगे चल के। क्या कहना चाह रहे हैं कि आपका जो आरक्षण है, आपका जो फायदा होने वाला है, उससे वो कहीं ना कहीं उसका लाभ ले जाएंगे? हाँ, कहीं ना कहीं मेरा लाभ ले जाएंगे वो, इस वजह से आप उसका विरोध करते हैं? इसलिए उसको विरोध कर रहे हैं। क्या करते हैं? पढ़ाई लिखाई करते हैं? जी, अभी सेमेस्टर 2 है। जी, बिहार में ही। जी, अभी तो आपने सुना होगा कि हाई कोर्ट ने नियोजन नीति रद्द कर दिया है, नियोजन नीति को रद्द कर दिया। जो हेमंत है ना, वो एक कहावत चलाए थे कि हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन हेमंत हिम्मत वाला नहीं है, वो हटाने वाला सभी को काम कर रहे हैं, हिम्मत वाला काम नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने अगर रद्द कर दिया तो उसमें सरकार क्या करेगी? आप देखिए क्या करती है आगे चल के। हेमंत है तो हिम्मत नहीं है, आप ये बोल रहे ना, हेमंत है तो हिम्मत नहीं है? हेमंत को हिम्मत नहीं है, पहले कहा था कि हेमंत है तो हिम्मत है, हेमंत है तब हिम्मत नहीं है। सो वो जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। जी, जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। कैसे, बताइए, समझाने की कोशिश कीजिए ना, कैसे? देखिए, उसका राजनीतिक से ही पता चल रहा है, जैसे कि जनता को प्रलोभन दे रहे हैं, कहाँ काम कुछ कर रहे हैं, जब पेशी रद्द कर दिए, सब चीज रद्द कर दे रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ। एग्जाम तो हुआ है, साथियों, जब हुआ तो कहाँ, ये क्या बोलते हैं, एग्जाम हुआ उसका, ये क्या बोलते हैं, उसका एग्जाम जो हुआ, एग्जाम हुआ, रिजल्ट हुआ, नियुक्ति भी हो गई, नियुक्ति हुई, लेकिन बीच में लीक हो जाता है। अच्छा, क्वेश्चन पेपर जो लीक हो गया था जेएससी वाला, हाँ, उसी में स्टूडेंट नाखुश है। सरकार तो कर रही, देखिए आपने सुना होगा ना कि 1932 का खतियान लागू करने जा रही है, पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने जा रही है। 1932 कहाँ अभी खतियान लागू हुआ है, कहाँ लागू हुआ, पर कहाँ लागू हुआ आगे? अभी तो एक फायदा वाला कुछ नहीं, बस सिर्फ खाली बरगलाने वाला काम कर रहे हैं, बरगलाने का काम। आप ये कह रहे हैं कि सरकार को राजनीति कर रही है, फायदा नहीं पहुँचा रही, सिर्फ खाली सरकार राजनीति करके पब्लिक को गुमराह करके बस सिर्फ यही कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। स्टूडेंट के लिए कर रही कि नहीं, स्टूडेंट के लिए काम कर रही कि नहीं? नहीं, अभी तक तो स्टूडेंट के लिए काम नहीं किए हैं। भोक्ता समाज के जो कैबिनेट मंत्री है सत्यानंद भोक्ता, उन्हीं का मंत्रालय है, वो बोले थे कि जो बेरोजगार लड़के रहेंगे हम उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। नहीं, जो सत्यानंद को बात किए ना, वो सत्यानंद हमारे समाज को सत्यानाश करने का काम किए हैं, हमारे समाज को सत्यानाश करने का काम किए हैं। आज तक हमारे समाज के लिए कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ खाली अपना पेट पोषने के लिए, पालने के लिए किए हैं, हमारा समाज के लिए कुछ नहीं किए हैं। हमारे समाज को आज सत्यानंद भोक्ता कुचलने का काम किए हैं। हाँ, सत्यानंद बड़े कार्यक्रम उनको बुलाना चाहिए था। नहीं, मेरा समाज के खिलाफ, हमारा समाज उसको खिलाफ, हमारा समाज के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसको चूर कर देंगे। अगर सबको तो अधिकार है ना भाई काम करने का, अपने तरीका का। अब देखिए, सरकार उनको बेहतर समझी है, उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाकर रखा हुआ है, सरकार में शामिल है, काम काज कर रहे हैं, ठीक है, सरकार में अभी उसका सरकार कहाँ, श्रम नियोजन मंत्री है, लेकिन अपना बेटा लोग का रोजगार नहीं दिया, तो हम लोग के क्या रोजगार देगा? बेटा लोग को रोजगार की क्या जरूरत है, काम धाम कर रहे हैं वो लोग अपने हिसाब से। अभी उसका सरकार था, मानते हैं उसका सरकार है, अगर बाद वो अभी उसका सरकार चल रहा है, ठीक है, वो अपना वोट बैंकिंग के लिए अपना समाज को विरोध करता है, ठीक है, समाज हमारा समाज आज एसटी में आ गया, तो वो चाहता कि मेरा चतरा हो, सिमरिया हो, लातेहार हो, आज उसका सरकार है, सरकार से मांग करता कि हमारा विधानसभा में एसटी सीट हो, उसका भी उसका पावर था तो उसका भी एसटी का अपना सीट लाता। देखिए, आज वोट बैंकिंग के लिए षड्यंत्र के तरह से वो अपना, देखिए, अपना तीसरा बेटा को शादी किया कोई बैठा के साथ,
दूसरे समाज में, दूसरे समाज से किया, मेरा समाज उसको बहिष्कार किया, समाज से बाहर कर दिया, समाज से उसको बाहर कर दिया, उनके यहाँ आना जाना कुछ शादी ब्याह मैंने कुछ नहीं करेगा, मेरा समाज उससे आना जाना खान पियन कुछ नहीं कर रहा, मेरा समाज उसको समाज से बाहर निकाल दिया। हाँ मतलब दूसरे समाज में शादी करने का अधिकार नहीं है? नहीं नहीं है। हाँ मगर कैबिनेट मिनिस्टर है ये तो मानते हैं ना? हाँ कैबिनेट तो मानते हैं, और उनके पास अधिकार है रोजगार बेरोजगारी भत्ता देने का, तो बेरोजगारी भत्ता वगैरह मिल रहा आप लोग कहाँ दे रहे हैं? नहीं कोशिश तो किए हैं लेकिन कहाँ हो रहा है? उसी समाज के कभी बातचीत होती है उनसे? बातचीत होती है मंत्री जी साहब? नहीं मंत्री जी से बातचीत नहीं होती। घर में आना जाना कभी होता है? कुछ नहीं, हमारा समाज उसका घर जहाँ आना जाना मोरेन घर मोरेन उरेन खान पियन उसका उसका सब खत्म है मेरा समाज, उसका घर आना जाना कुछ नहीं। इसी वजह से इतना बड़ा कार्यक्रम उनको आमंत्रित नहीं है? हमारा आज जो आज एसटी में शामिल हुए हैं उसको आभार यात्रा के लिए हम लोग आए हैं। किसको आभार देना है? मंत्री को आभार दे नहीं रहे हैं आप लोग, किसको आभार दी? अर्जुन मुंडा को, माननीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी को, लेकिन हम लोग प्रधानमंत्री को देते आभार यात्रा के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री टाइम नहीं दिए, थोड़ा सा दुखी है। हाँ प्रधानमंत्री आज टाइम नहीं दिए, थोड़ा सा दुखी है, लेकिन उसका सहयोग से ही आज उसका देन से ही आज हमारा जो पूर्वज खोए हुए थे वो आज हम लोग वापस घर वापसी किए। आप जिसे नौजवान लड़का लोग मानता है कि ये चीज हो जाने से उनका जो भविष्य है बेहतर होगा? हाँ मानते हैं। हाँ तो एक तो आरक्षण का लाभ ही बढ़ा है ना, क्या और क्या मिला है? हाँ हम लोग आरक्षण है, हम लोग का जल जंगल जमीन हमारा है, इसीलिए पहले भी था अभी भी, अभी भी हम लोग को बचाना है। सरकार कहाँ छीन रही है? छीन रही है क्या? छीन तो नहीं रही है, पर उसके लिए कुचलने का काम कर रहे हैं। मैन बड़ा बड़ा माइंस उन्स खुलवा रहे हैं, सरकार का मिली भगत है। तो भाई अभी ये पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, तुमको भी रोजगार चाहिए, सबको सरकारी नौकरी मिलती नहीं है, खुद सरकार कहती है, तो प्राइवेट नौकरी करोगे? प्राइवेट नौकरी के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, फैक्ट्री आएंगी, उसके लिए कहीं ना कहीं वो होता है कि नुकसान ही होता है। हमारे झारखंड में बड़े बड़े कंपनी आएंगी, हमारे झारखंड को पब्लिक को हमारे सरकार गुमराह करने का काम करती है, और आता है यूपी बिहार बंगाल उत्तर प्रदेश हर जगह जगह का आता है, सिर्फ खाली हमारा पब्लिक को गुमराह करने का काम करता है। हमारा जल जंगल जमीन, जल जंगल जमीन लूट रही सरकार, लूटती है, लेकिन हमारे स्थानीय को नौकरी मिलेगा तब ने, बहुत कम मिलता है, सबसे ज्यादा बाहरी आ जाता है। तो माइनिंग आपके क्षेत्र में होता है, कोयला का माइनिंग और दूसरी चीजों का, तो उसका कुछ लाभ होता है या केवल नुकसान हो रहा है उसमें? हम लोग का नुकसान होता है, चूंकि हम लोग का मुआवजा मिल जाता है, मुआवजा मिलता है, उसका बाद स्थानीय लोगों का नहीं मिलता है नौकरी, कुछ 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 लोगों का मिलता है, बाकी बाद लोग का नहीं मिलता, बाकी बाद जो बाहरी बाहरी को भर दिया जाता है। हाँ बाहरी को भर दिया जाता है, लोकल लोग का बस। हेमंत सरकार कह रही है कि हम नई नियोजन नीति लेकर आएंगे जिसमें बाहरी लोगों के लिए कोई जगह नहीं रहेगा, तो सरकार तो अच्छा काम कर रही है। देखिए आप हेमंत सोरेन आगे क्या करते हैं उस पर तो पाल हम नहीं कर सकते हैं। सरकार पर भरोसा है कि नहीं? सरकार पर भरोसा है? सरकार पर भरोसा नहीं, हम बीजेपी पर भरोसा है। खैर किसी भी पार्टी पर भरोसा हो वो आपका विषय है, ठीक है। हम ये जानना चाहते हैं अभी जो खरवार जाति और भोक्ता समाज के लोग इतने लोग आए हैं, ये क्या 2024 का जब विधानसभा चुनाव होगा उसका असर कुछ होगा वहाँ? हाँ 2024 का जो चुनाव होगा विधानसभा का लोकसभा का वह जरूर असर आएगा, एकदम पूरा पक्का असर होगा। इसमें हिम्मत बोला ने, हेमंत सोरेन बोला ने कि हेमंत सोरेन है तो हिम्मत है, लेकिन वो हिम्मत झारखंड में अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा बीजेपी को। हाँ बीजेपी को पुराने सपोर्टर लग रहे हैं? हाँ पुराना सपोर्टर नहीं है बीजेपी को, कोई पार्टी का खर्च करता हम नहीं है, नहीं है कोई पार्टी को खर्च करता। ये डिसीजन जो हुआ है एसटी विषय उसके वजह सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ इसीलिए हम लोग बस अभी ये सब तो आए हैं यहाँ पर, पढ़ाई लिखाई जारी रखेंगे या किसी पार्टी ज्वाइन करेंगे? नहीं हम लोग इसी तरह जारी रखेंगे। हाँ इसी तरह हम लोग पार्टी भी ज्वाइन करेंगे? नहीं पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे, जो पार्टी अच्छा काम करेगी उसको सपोर्ट करेंगे हम लोग, कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी उसी को सपोर्ट करेंगे। तो पढ़ाई लिखाई करेंगे ना आगे? हाँ हाँ मेरा माधिगंजू नाम हुआ, और ये खरवार भोक्ता विकास संघ का सिमरिया प्रखंड का युवा अध्यक्ष है। ठीक है तो आपने सुना एक युवा से, उस समाज के युवा से बात करने की हमने
कोशिश की और ये समझने की कोशिश की एससी से एसटी में शामिल होने के बाद उनको क्या लाभ होगा और एक नौजवान के तौर पर इस डिसीजन को वो किस रूप में देखते हैं, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर उनका क्या नजरिया है, वर्तमान सरकार से उनका क्या मोहभंग है या उन पर कुछ एतमाद यकीन है या नहीं है, इन तमाम चीजों पर उन्होंने खुलकर बात की और उन्होंने ये कहा कि आने वाले दिनों में उसी राजनीतिक दल को सपोर्ट करेंगे जो उनके हक और अधिकार की हिफाजत करेगा। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी राजक दीजिए इजाजत।